हेलो स्टूडेंट ऑफ नाइन्थ क्लास, ओके लेट्स स्टार्ट नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन विलेज पालमपुर. ओके वन थिंग, फार्मिंग एक्टिविटीज, व्हाट इज फार्मिंग? फार्मिंग इट मीन्स कृषि, एग्रीकल्चर. इट मीन्स ऑल एक्टिविटीज दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नेचुरल और कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप, ओके, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड एंगेजमेंट विथ सॉइल एंड फील्ड. And these type of activities are called farming activities. And we have understood that how in village Palampur, the farmers of Palampur are engaged in farming activities. How many type of crops they produce and how they handle this, from where they take capital and from where they manage labor. These all the things in farming activities. Let's see second. Actually, we have understood the factor of production, and the purpose of this story is, you know, that to understand the means of production. What is the main purpose of this story? Main purpose of this story to understand the economic condition of villages of our country, that what is village economy. And in previous video we have understood farming activities in different dimensions, farmative. But here we will understand non-farming activities. Is it not right that we find in villages some non-farming activities? Are everyone engaged in farming activities? Are everyone of any village of our country, they are engaged in only agricultural activities? Not. Maybe they are engaged in agricultural activity, but apart from agriculture, they are also doing something different. Okay, so non-farming activities, what is, if we classified it in village, okay, we will find some people are engaged in small scale manufacturing. Small scale manufacturing. And second, you can classify it in dairy, milk production. You can see this. And third, some are engaged in trading activities, and some are engaged in port services. Okay, if we classified their non-farming activities, we will find that small scale manufacturing. Okay, क्या आप गाँव में हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिलता है कि कुछ लोग छोटे छोटे पैमानों पर, छोटे छोटे स्केल पे कुछ प्रोडक्शन करते हैं? यानी वो खेतों में डायरेक्ट कुछ नहीं करते. जैसे मान लो गांव में आप देखने को पाओ, कहीं दौरी मोनी बनाते हैं, कहीं कुचरा बनाते हैं, तो कहीं खुरपी बनाते हैं, तो कहीं कुछ बनाते हैं, हाँ, छोटे छोटे चीज़ों को बनाते हैं ना, जो हम डेली यूज करते हैं घर में. जैसे आप ब्लैक स्मिथ, लोहार को आप देखिए. लोहार क्या कर रहा है? व्हाट इज़ डूइंग ही इज मेकिंग समथिंग, कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है, कुछ बना रहा है, लोहे के टूल्स को, कुछ एग्रीकल्चरल टूल्स को बना रहा है. तो उनकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, ठीक है. ऐसे आप देखोगे, और अगर एग्जांपल ले लो, आपके एनसीईआरटी में सबको नहीं दिया है, लेकिन आप कहीं ना कहीं आप उनके प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को ऑक्यूपेशन से जोड़ सकते हो. उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज देयर ऑक्यूपेशन, देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज देयर ऑक्यूपेशन. इट मीन्स वी फाइंड दैट बार्बर, अगर आप देख लोगे, नाई को देख लोगे, तो क्या नाई एक फार्मिंग एक्टिविटीज है? बाल काटना तो मुझे नहीं लगता कि किसी खेती बारे में काम कर रहे हैं, खांसियाँ लेकर के गेहूँ काट रहे हैं, बाल काट रहे हैं, गेहूँ नहीं काट रहे हैं, तो दैट इज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज. ओके, ब्लैक स्मिथ, खैर बार्बर तो सर्विस है, सर्विस दे रहा है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग में छोटे छोटे पैमाने पर हम जो गाँव में मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं, उत्पादन देखते हैं, विनिर्माण इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक.
ये चीज हमें देखने को मिलता है। ओके, डेयरी मिल्क प्रोडक्शन, वी आल्सो फाइंड इन विलेजेस दैट सम फार्मर सम फार्मर्स हैव मेनी काउज और बफेलोज। ओके, एज इन ग्रुप, एंड उनको इसलिए वो पालते हैं क्योंकि उनसे मिल्क प्रोडक्शन एक लार्ज स्केल पे होता है। ठीक है, तो हम एक मिल्क प्रोडक्शन भी कि ज़्यादातर ज़्यादा मात्रा में एक बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है रूरल इकोनॉमी में, जिसमें हम कई मायने में हम मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं और गोबर का, जिसमें नेचुरल फर्टिलाइजर मैन्योर भी हम उसमें प्रोडक्शन करते हैं, या फिर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी उसको हम यूज कर सकते हैं। कई मल्टीपर्पज़ के उससे हमें एक रूरल इकोनॉमी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल डेयरी या मिल्क प्रोडक्शन प्ले करता है। ये सेकंड आपको मिल सकता है, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं डेयरी मिल्क प्रोडक्शन को आप बेटा इस तरीके से जोड़ सकते हो, यू कैन ऐड दिस थ्रू दैट एनिमल हस्बेंड्री। अब सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन में सिर्फ आप ही नहीं, बकरी पालन भी है तब भी माना जाएगा, ठीक है, बकरी ऊँट पाल लिए तब भी माना जाएगा, तो ऊँट गाँव में पाला नहीं जाता है। ओके, ट्रेडिंग एक्टिविटीज, विलेज पालमपुर में हमने देखा कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, अपने बग्घी और बैलगाड़ी, ब्लैक कार्ट्स, ट्रैक्टर, ट्रक और इन सब से लेकर के और गांव के गन्ने से बनने वाली जैगरी को अपने नियरेस्ट जो मार्केट है रायगंज या शाहपुर में वो सेल कर रहे हैं। ठीक है, और भी कुछ लोग होते हैं सब्जियों को बेचते हैं, सामान को बेचते हैं, ठीक है, या आपको इसमें आपको शॉप्स भी देखने को मिलेंगी या अदर ट्रेडिंग एक्टिविटीज आप जोड़ सकते हैं, कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज, ट्रेडिंग आपके गांव में कपड़ों की दुकान होगी, छोटे छोटे कपड़ों की दुकान होगी, इन सब चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं ट्रेडिंग एक्टिविटीज में, बट दे आर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज क्लियरली। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, गांव में रिक्शा देखें, ऑटो रिक्शा एंड वो रिक्शा तीन पहियाला, तांगा, ये सब हमें देखने को मिलता है, और ये सब हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। बैलगाड़ी भी आपके सामान को लेकर के, आप लोग नहीं जानते, हम लोग छोटे जब थे तो बैलगाड़ी से ही गन्ने उन्ने की ढुआई होती थी। तो वो क्या ट्रांसपोर्ट सर्विस हमें प्रोवाइड करते हैं। अब ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्ले की रोल इन स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन इन ट्रांसपोर्ट एंड डेयरी एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज इन ऑल नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इवन फार्मिंग एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्ले वेरी वाइटल रोल इन रूरल इकोनॉमी। इस तरीके से स्टूडेंट ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हो गई। अब आप इसको लेक्चर के समय आप खुद सोचिए, क्योंकि हर एक एक्टिविटीज़ को मैं थोड़ा सा बता नहीं सकता हूँ, बट ऐसे आप सोच लीजिए, आप स्मॉल मेडिकल सर्विसेज जो प्रोवाइड हैं पालमपुर में, दे आर ऑल्सो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। स्मॉल जो मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइडेड हैं वो भी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हैं, और बार बार और ये वो जितने भी हैं जो दे इफ़ दे आर नॉट डायरेक्टली इंगेज इन कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप एंड अपार्ट फ्रॉम कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप इफ दे आर इंगेज इन एनी अदर एक्टिविटीज, ओके, बट दे आर डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इफ दे आर डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज इट मीन्स दे आर एंगेज्ड इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड एंड एक समरी वीडियो में सभी, अभी आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया फर्स्ट पीरियडिक टेस्ट का, और हम एक बार समराइज करेंगे सभी चीज़ों को, चाहे वो ऑडियो आर्टिकल के थ्रू होगा चाहे वीडियो आर्टिकल के थ्रू होगा, टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, आपके थ्री डायमेंशंस हैं, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर ओनली एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फार्मिंग एक्टिविटीज इन विलेजेस एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन विलेजेस, फोर डायमेंशन में आप चीज़ों को समझ लेना है। आपको जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन समझना है, विलेज पालमपुर एक नौटंकीदार गांव, डेवलप्ड गांव है हमारा, वेस्टर्न यूरोप उत्तर प्रदेश का है, यहीं से हमें क्या करना है समझ लेना है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छे से रहिए और मस्त रहिए और समझते रहिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।